शार्क्स ने फाउंडर्स में आग लगा दी और टीम तोड़वा के एक बंदे को तो अपने साथ मिलाना चाहते थे। वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर दे। शार्क टैंक में एक ब्रांड आया जो क्लोथ्स बनाता है और इन्होंने अपनी सेल 7 महीने पहले करनी शुरू की है और आज के टाइम पे ये 1 करोड़ से ज्यादा की सेल कर चुके हैं और इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है और इनका सारा ट्रैफिक सिर्फ इनकी वेबसाइट से आ रहा है और उस सबका रीजन है मार्केटिंग और उस सबके पीछे है ये बंदा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई गया, इसके पास सिर्फ 10% इक्विटी है और शार्क्स ने बोला कि आप बच्चे को लूट रहे हो, दोनों फाउंडर्स में इक्वल इक्विटी होनी चाहिए, जो सब लोगों ने सुन लिया पर ये चीज पे किसी ने नोटिस नहीं किया। ये फाउंडर साइड में जाके भी इक्विटी की बात कर रहे थे और उनका सेकंड पार्टनर अग्री कर रहा था 10% के ऊपर, क्योंकि जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो उसकी 0 इन्वेस्टमेंट थी और जिसके पास 90% शेयर है उसकी 50 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। इक्वल इक्विटी सेंस नहीं बनाती, पर 30-70 का रेशो होना चाहिए था।